विजयनगर में एक युवक से आर्मी में नौकरी का झांसा देकर 2,70,000 रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। आरोपी कोटा का रहने वाला है और गांव के एक व्यक्ति का परिचित है। भर्ती कैंसिल होने के बाद जब पैसे मांगे तो पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। वही बहानेबाजी कर टाल मटोल करने लगा, उसके बाद अब मना कर दिया। विजयनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विजयनगर थाना पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर रकम हड़पने के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये है जांच अधिकारी रणजीत सिंह, हेड कांस्टेबल। कोर्ट से 156 दिन में इस तरह से आया है। इन परिवादी कप्तान काटात के बच्चे को आर्मी में भर्ती करवाना था। इस एवजी में उन्होंने एक जो फौज में आर्मी था उसको पैसे दिए 2,70,000 रुपये, उसमें फौज में भर्ती करा देगा तो ये पैसे उनको खाए पिए। अब जब उनका बच्चा, कप्तान जी का बच्चा भर्ती नहीं हो पाया तब कप्तान जी ने उनके पास जाके वापस पैसे मांगे। तो मुरली मनोहर सिंह है, पिताजी का नाम अजीत सिंह, गांव राजियावास, और थोड़ा लगता है उसका जय बजा, अभी वर्तमान में कोटा में कहीं रहता है। उसने साफ साफ मना कर दिया, अभी मैं पैसे नहीं दूंगा। तो परिवार कोर्ट में गया और एक मुकदमा दर्ज करा दिया। तो 420 मुकदमा दर्ज है, हम उनसे संपर्क करेंगे, उनका अगर पूछे अनुसंधान करेंगे भाई के बाद पैसे वास्तव में लिए हैं कि नहीं लिए। मसूदा विधानसभा से अनिल जांगिड़ की रिपोर्ट।